लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कांग्रेस के चोटी के सभी नेता आज 2014 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। पार्टी की पहली कैंपेन कमेटी में उन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी कि चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए पार्टी को कैसे आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने वाली है। बीजेपी और मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक शाम के 6:30 बजे शुरू हो रही है, लेकिन इस मुलाकात से पहले पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। इसी बैठक में बिहार में एलजेपी के साथ बीजेपी के गठबंधन को भी आखिरी मुहर लगाई जाएगी। नरेंद्र मोदी भी बीजेपी की इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद रहेंगे। विकल्प में भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया है तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही इसके लिए अधिकृत है। नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान के बीच बिहार में चुनावी गठबंधन को लेकर चर्चा होगी। बिहार में पासवान के लिए गठबंधन के सभी रास्ते बंद होने के बाद उनके पास बीजेपी से हाथ मिलाने का विकल्प ही बचा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पार्टी ने अभी फैसला लिया है कि हमारे विकल्प खुले हैं। जहां तक आपने कहा कि भाजपा के संबंध में कहा, तो पार्टी में जो सदस्यों की राय थी उसके विपरीत में भी नहीं थी। माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार में पासवान को 7 से 8 सीटें दे सकती है। रामविलास पासवान 2002 में गुजरात दंगे के बाद एनडीए से समर्थन वापस लेने वाले पहले नेता थे, लेकिन अब उन्हें दोबारा बीजेपी से हाथ मिलाना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कई सभाओं को संबोधित करेंगे। इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में मोदी कॉरपोरेट और एम्बेसडर्स को संबोधित करेंगे। मोदी सीएईटी के एक समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस समारोह में ट्रेडर्स के 10 सूत्री एजेंडे पर मोदी से चर्चा होगी। माना जा रहा है कि ट्रेडर्स केजरीवाल के रुख से बेहद परेशान हैं, जबकि इन्होंने पहले केजरीवाल का समर्थन किया था। बीजेपी कांग्रेस सरकार के अध्यादेश लाने के फैसले का विरोध करेगी। बीजेपी ने इस सिलसिले में राष्ट्रपति से मिलने की योजना बनाई है। पार्टी का कहना है कि इस समय वो अध्यादेश लाए जाने का विरोध करती है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण बिल जो संसद के आखिरी सत्र में पास नहीं हो सके थे, उन्हें सरकार अध्यादेश के सहारे कानून बनाएगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस से गठबंधन की खबर से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक कांग्रेस से इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस पार्टी के महासचिव और आंध्र प्रदेश प्रभारी दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि टीआरएस से गठबंधन की बातें हो चुकी हैं। इस बीच चंद्रशेखर राव का हैदराबाद में जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों को उनके अगले कदम और महत्वपूर्ण फैसले का इंतजार है। आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के चांदनी चौक के गौरीशंकर मंदिर में महाशिवरात्रि का विशेष आयोजन किया गया है। यहां सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा दिल्ली के सभी मंदिरों में महाशिवरात्रि का उल्लास देखते ही बन रहा है। आम आदमी के खिलाफ दिल्ली के लोगों में अब नाराजगी दिखने लगी है। बादली इलाके में नाराज लोगों ने विधायक राजेश गर्ग को बंधक बना लिया। रोहिणी से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेश गर्ग लोगों की समस्या सुनने उनके इलाके गए थे। गुस्साए लोगों ने उन्हें जबरन बंधक बना लिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विधायक बनने से पहले राजेश गर्ग ने रास्ता और नालियां बनाने का वादा किया था, लेकिन विधायक बनने के बाद वादे को सच में बदलने की कोई कोशिश नहीं की। इधर अपनी किरकिरी होते देख विधायक ने धरना देने का शिगुफा छोड़ दिया। दिल्ली में करीब 6000 डीटीसी बस ड्राइवर नकली ड्राइविंग लाइसेंस के साथ बस चला रहे हैं। ये वो ड्राइवर हैं जिन्हें कॉमनवेल्थ खेलों से पहले दिल्ली की बसों को चलाने के लिए चुना गया था। खेल खत्म होने के बाद इन्हें कॉन्ट्रैक्ट से हट जाना था, लेकिन ये ड्राइवर अभी तक नकली कागजात के सहारे दिल्ली में बस चला रहे हैं। मामला सामने आने के बाद सीबीआई को सौंप दिया गया है। बिना सरकार के चल रही दिल्ली में नई बसों की खरीदारी की योजना भी खटाई में पड़ गई है। फिलहाल डीटीसी के लिए नई बसें नहीं खरीदी जा रही हैं। पहले डीटीसी की फ्लीट में 640 नई बसों को जोड़ने की योजना थी। डीटीसी की नई बसें कुछ तकनीकी कारणों से नहीं खरीदी जा रही। कोलकाता में बोर्ड की परीक्षा दे रहे छात्रों को दीदी ने सहूलियत का तोहफा दिया। शहर के ऑटो चालकों ने बिना पैसे लिए छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक छोड़ा। तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन विंग ने शहर में ये अनूठी मुहिम चलाई, जिसे छात्रों और उनके अभिभावकों ने खूब पसंद किया। सहारा
समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अब सुब्रत रॉय को हर हाल में 4 मार्च को दोपहर 2 बजे तक अदालत में पेश होना पड़ेगा। सुब्रत रॉय ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की छूट देने की अपील की थी। सहारा समूह अपने निवेशकों को 20,000 करोड़ रुपए लौटाने के मामले में फंसा हुआ है। सेबी ने सुब्रत रॉय और उनकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नेवी चीफ एडमिरल डीके जोशी ने पिछले 7 महीने में हुए युद्धपोत हादसों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है। जोशी का अभी 15 महीने का कार्यकाल बाकी था, लेकिन सबमरीन सिंधु रत्न के हादसे के बाद उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। रक्षा मंत्री ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और वाइस चीफ आर के धवन को एक्टिंग चीफ का पदभार संभालने को कहा है। आर के धवन तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि नए चीफ को चुन नहीं लिया जाता। कानों में मोबाइल फोन की रीड लगाकर रेल ट्रैक पार करना एक महिला शिक्षक को भारी पड़ गया। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास महिला शिक्षक स्कूल जाने के लिए रेल की पटरियां पार कर रही थी। उसके दोनों कानों में फोन की लीड लगी हुई थी। शिक्षक ने उसी ट्रैक पर आ रही ट्रेन की आवाज नहीं सुनी। महिला शिक्षक की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में जीआरपी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेने के बदले जीआरपी वालों ने मीडिया से बदसलूकी की। मेरी बहू रानी थी और घर से सुबह स्कूल के निकले थे, तो यहाँ हमें तो पुलिस से इन्फॉर्मेशन मिली कि जी वो ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया, हम यहाँ आए तो बाकी इनकी कार्रवाई चल रही है। नहीं बता रहे हैं पुलिस वाले भी, मैंने कई लोगों से बात की कि कान पे मोबाइल की लीड लगी हुई। हाँ, पुलिस ने यही पाया है उस टाइम के उनके कान में लीड लगी हुई थी, दोनों कानों में लीड लगी थी पुलिस वालों ने पाया है और वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। थाने की भिवंडी इलाके में अपराध की एक अजीब और गरीब सी घटना सामने आई। समलैंगिक संबंध की वजह से दोस्त ने अपनी ही दोस्त की हत्या कर दी और राज को 9 महीने तक छिपाए रखा। 9 महीने पहले फैयाज इस्माइल कुरैशी के लापता होने की रपट भी लिखवाई गई। अब 9 महीने बाद पुलिस थाने में आकर एक शख्स ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जिस शख्स ने अपना अपराध कबूल किया है उसका नाम अहमद अब्दुल मजीद अंसारी है। अंसारी ने 9 महीने पहले अपने दोस्त फैयाज कुरैशी की बेरहमी से हत्या कर दी थी। अंसारी ने खुद पुलिस को वो जगह दिखाई जहां पर उसने हत्या के बाद अपने दोस्त की लाश को गाड़ दिया था। तो ये केस में दो आरोपी को भारतीय दंड संहिता धारा 302(34) से अपराध दाखिल है। इसमें कितने तारीख तक के मानने आरोपी? 6 मार्च तक इनकी पुलिस कस्टडी मंजूर है। कर्नाटक के बेलगाम में एक शैतान साधु के हाथों 7 साल की मासूम बलि चढ़ने से बाल बाल बच गई। 35 साल की अपैया नाम के तथाकथित साधु ने धार्मिक कर्मकांड की आड़ में 7 साल की बच्ची को चिता में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली थी। साधु ने उस बच्ची को झांसा दिया था कि वो शिवरात्रि को पुनर्जन्म लेगी। पुलिस ने एन वक्त पर धावा बोलकर मासूम की जान बचाई। साधु को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुणे एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारियों ने 3 लोगों को 4 बैग में मयूर पंख की तस्करी करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। ये तीनों ही दुबई जा रहे थे। कस्टम के अधिकारियों के मुताबिक ये तीनों मुंबई से पुणे आए थे और दुबई जा रहे थे। एयरपोर्ट पर एक्सरे स्कैनिंग के दौरान अधिकारियों को इनके बैग में रखे सामान पर शक हुआ। बैग खुलवाने पर ये पता चला कि इनमें 35 किलो वजन तक मयूर पंखों को छोटे छोटे बंडलों में रखकर ले जाया जा रहा है।